चीजें सी या सी प्लस प्लस में नहीं थी। जो हम कहते हैं ना कोड कैसे इवॉल्व हो रही है, ऐसे हो रही है। सी में हमें उसको देखना पड़ना था कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, उसके एंड तक पहुंचना पड़ना था, एन वहां से करना पड़ना था। इसमें हमने क्या यूज कर दिया, माइनस वन, क्योंकि जो बन चुका है उसके आगे बनाना है ना। -3 पीछे से, आप समझ सकते हो। अब किसी का आंसर आएगा, किसी का आंसर नहीं भी आएगा, देखना पड़ेगा। अब यहां देखो लिस्ट भी कितनी फ्लेक्सिबल है कि इट इज नॉट ऑफ, जो एलिमेंट्स हैं इसके वो सेम टाइप के नहीं है। एक इंटीजर है, एक स्ट्रिंग है, एक डबल, राइट। और लिस्ट में मल्टीपल भी हो सकती हैं वैल्यूज। ये क्या है, स्क्वेयर ब्रैकेट्स में कुछ भी नहीं है, एम्प्टी लिस्ट। और ये क्या है, कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग्स। तो ये इतना कोड लिखा, इसको हम करेंगे रन, ये सारा आंसर आ गया। क्या आंसर आया, अब इसको अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, पहली प्रिंट स्टेटमेंट क्या थी, क्या थी प्रिंट स्टेटमेंट पहली, वन इंडेक्स, जीरो इंडेक्स, करते गए, लिखा आ रहा है स्विफ्ट, पाइथन, सी प्लस प्लस, और फिर जो प्रोग्रामिंग लिखा था उसके बीच में से मैंने सिर्फ तीन, इसको हम बोलते हैं स्लाइसिंग, जैसे सेब काटा ना बीच में से निकाल दिया एक पीस। तो ये काम कितने आसान है इसमें, कि हमने कहाँ लिखा है इसको स्लाइसिंग को, ये प्रोग्रामिंग है, इसमें लिख दिया माई लिस्ट 2:5। 2 मतलब स्टार्ट, 5 मतलब एंड, 2 से लेके 5 से एक कम, 2, 3, 4, ठीक है। रामपाल जाना बाहर, तू दोनों ने तू चले जाओ, एक बार ना हो चुका तो जाओ, खड़े हो जाओ, शाबाश, बोथ ऑफ यू प्लीज स्टैंड अप, उठ जाओ उठ जाओ, जाओ उठो, मैं कह रहा हूँ, चलो कुछ और करो मीनिंगफुल। टू कोलन फाइव, ठीक है, कौन कौन सा टू है, दिस इज जीरो, दिस इज वन, दिस इज टू, 3, 4, रिजल्ट आ गया था OGR, राइट। अगला 5:: कुछ भी नहीं, मतलब 5 से स्टार्ट करो, बाय डिफॉल्ट बताया नहीं तो एंड तक जाएगा, ये ना स्टार्ट बताया ना एंड बताया, क्या आएगा, स्टार्ट और एंड, ये पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, बोलने तोतों की तरह शुरू हो जाते हो, जो कुछ हवा में हो। मैं करूंगा, कैसे करूंगा, नॉट नो, शेक चिली जैसे करते हैं, तो इसको मैंने सिर्फ कोलन डाल के छोड़ दिया, इसने अपने आप अंदाजा लगा लिया कि मैंने स्टार्ट से लेके एंड तक जा, मुझे ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा, राइट। दिस इज कॉल्ड, अगर यही काम मैंने सी में करना होता तो एक वो जो लूप बनाई थी ना पूरी लिखनी पड़नी, कि स्टार से एंड तक जाओ, तीजी लोकेशन से 6वीं तक जाओ, मुझको बताना पड़ना था ना। इसमें मैंने सिर्फ लोकेशन लिख के स्क्वायर ब्रैकेट में कोलन डाला, काम हो गया, समझ रहे हो। अब इसमें देखो आगे नंबर्स बनाए, आगे मैंने लिस्ट में अपेंड, ये इसका मेथड, क्योंकि पाइथन में सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, अपेंड क्या होता है इंग्लिश में, एड, एड एट द एंड, एड एट द एंड उसको बोलते हैं हम अपेंड। तो मैंने कहा लिस्ट में अपेंड कर दो, कुछ आइटम मिस हो गई थी वो लिस्ट के नीचे लगा दो, तो मुझे याद क्या रखना पड़ा, अपेंड। वो जब मैं प्रोग्रामिंग करूंगा और लिखूंगा ना नंबर्स डॉट, अपने आप मुझे सजेशन आ जाएंगे।
ओके ऐसे ही नंबर्स डॉट एक्सटेंड, एक चीज लगानी थी तो अपेंड ठीक था, अगर इसके आगे मैंने ज्यादा चीजें लगानी है जैसे इवन नंबर्स उसका अलग से मेरे पास है तो हम एक्सटेंड करते हैं। अब जब ये आप करोगे ना तो टाइम तो लगना है ठीक है, लेकिन अभी टाइम की पॉसिटी है तो दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड एट लेंथ। लिस्ट म्यूटेबल है इसलिए टू को मैंने सी कर दिया तो यहां पे चेंज होके सी प्लस प्लस की जगह पे सी लिखा आ जाएगा ठीक है। टप्पल को मैंने आपको बताया था चेंज नहीं कर सकते, हर एक के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सीक्वेंस डेटा टाइप्स के, ये मुझे अवेयर होना चाहिए। बाकी पावर सारी पाइथन की, इट डोंट मतलब आपको कंपेल नहीं करती कि बहुत ज्यादा कोडिंग लिखो, द ओनली थिंग यू नीड टू नो इज अवेयर होना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन है, किस लाइब्रेरी कौन सा ऑब्जेक्ट है, उस पर क्या चल सकता है क्या नहीं चल सकता ठीक है। कितना टाइम लगे सर और? बस बच्चे हम पूछो क्यों भाई, तो बच्चे होगी बस।